हेलो दोस्तों, नासिर इलेक्ट्रिटीज में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 1.2 एचपी क्लस्कर कंपनी का मोटर का दोस्तों वाइंडिंग डाटा जानेंगे दोस्तों। वो भी परफेक्ट वाइंडिंग डाटा होगा और ओरिजिनल डाटा होगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि इस मोटर की स्टैम्पिंग साइज क्या है, मतलब यहाँ से इस स्टेटर की मोटाई क्या है, और दोस्तों इसकी इनर डाई और आउटर डाई मतलब आईडी और ओडी हम जानेंगे, जब ही जाके हम किसी भी मोटर का जो है डाटा परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक परफेक्ट डाटा बताने वाले हैं जो कि इस मोटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल डाटा है दोस्तों। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम इसकी आरपीएम जानेंगे, इसके बाद दोस्तों इसमें हमें कितना एमएमडी की कैपेसिटर यूज़ करनी है दोस्तों, कॉइल की लंबाई क्या रखनी है और कॉइल में हमें टर्न कितनी रखनी है, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे दबा लें, ताकि किसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी मोटर में आपको जो है एक नंबर प्लेट लगी हुई दिखेगी दोस्तों, और उस मोटर के बारे में आपको जो है सारी जानकारी इस नंबर प्लेट पर मिल जाएगी, जैसे कि इसकी आरपीएम क्या है दोस्तों, और इसकी साइज कितनी है, इसकी कितना एचपी का मोटर है दोस्तों, और इसमें कितना एमएफडी की कैपेसिटर यूज़ करनी है। तो सारी जानकारी दोस्तों इस नंबर प्लेट पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मोटर में 1.2 एचपी क्लस्कर की मोटर दोस्तों, इसमें क्या क्या यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी आरपीएम दोस्तों यहाँ पर 2700 आरपीएम दिया गया है, और इसकी वाटेज दोस्तों यहाँ पे 750 वाट है, और इसकी एचपी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये 1.2 एचपी की मोटर है दोस्तों। यहाँ पे जो है इसकी, इसमें हमें जो है रन कैपेसिटर यूज़ करनी है दोस्तों। यहाँ पे कैपेसिटर में जो है 12.5 न्यू फेरेड की, यहाँ पे 400 वोल्ट में कैपेसिटर को हमें जो है यूज में लानी है। और तो सारी दोस्तों यहाँ पे जो है जानकारी जो है इस नंबर प्लेट पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी किसी भी मोटर में। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो है स्टैम्पिंग साइज जान लेते हैं, इसकी स्टेटर की मोटाई क्या है, इसके बाद दोस्तों आउटर डाई और इनर डाई हमें भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों इस स्टेटर की मोटाई हम जान लेते हैं, इसकी मोटाई क्या है। अगर फ्रेंड्स इस स्टेटर की मोटाई की अगर बात की जाए, मतलब यहाँ पे हमारा जो है स्टैम्पिंग साइज तकरीबन दोस्तों ये 2 इंच के आसपास है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है आईडी की बात आती है, देखिए यहाँ पे आईडी मतलब इनर डाई हमारा जो है तकरीबन दोस्तों ये 2.1 इंच के आसपास है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसकी आउटर डाई की बात की जाए, तो ये ओडी हमारा तकरीबन दोस्तों ये 4.2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है आउटर डाई और इनर डाई हमने जो है स्टैम्पिंग साइज सारा जान लिया। अब यहाँ पे हम डाटा की बात करेंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डाटा बताता हूँ। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें रनिंग कॉइल की 2 ग्रुप बनानी है दोस्तों। तो एक ग्रुप में दोस्तों हमारा जो है 4 कॉइल होगी, और एक ग्रुप में 4 कॉइल होगी, मतलब यहाँ पे रनिंग की टोटल 8 सेट बनेगी यहाँ पे। तो 2 ग्रुप में दोस्तों 4+4 कॉइल होगी। इसी तरह दोस्तों हमें जो है स्टार्टिंग कॉइल में हमें जो है फिर से 2 ग्रुप बनानी है, मतलब एक ग्रुप में हमें जो है 2 कॉइल बनानी है, और एक ग्रुप में हमें जो है फिर से 2 कॉइल बनानी, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप जो है स्टार्टिंग कॉइल की भी होगी। आइए यहाँ पे हम कॉइल टर्न और कॉइल पिच और कॉइल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम रनिंग कॉइल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है स्टैंडर्ड वायर गेज हमारा जो है 23 नंबर होगी, और दोस्तों यहाँ पे हमें जो है कॉइल टर्न की बात अगर की जाए, तो कॉइल टर्न हमारी दोस्तों यहाँ पे 4 कॉइल बनेगी। सबसे छोटा जो कॉइल बनेगी दोस्तों, उसमें हमें जो है 64 टर्न रखनी है। इसके बाद वाला जो 2 नंबर कॉइल बनेगी दोस्तों, उसमें हमें जो है 65 टर्न रखनी है, और इसके बाद वाला जो कॉइल बनेगा 3 नंबर कॉइल दोस्तों, उसमें हमें 66 टर्न, और चौथा कॉइल जो हमारी जो बनेगी दोस्तों, उसमें हमें जो है 68 टर्न रखनी है। मतलब कुछ इस तरह से 64, 65, 66 और 68 4 कॉइल में जो है हमें कुछ इस तरह से रखनी है दोस्तों। मैं आपको डाटा लास्ट में दे दूंगा डाटा शीट बना के। अगर कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों, हमें कितना इंची पे हमें इस कॉइल को बनानी है, तो दोस्तों कॉइल डिस्टेंस हमारी जो होगी 3 इंच की होगी। और दोस्तों इसकी कॉइल पिच की बात की जाए, हमें कितना से कितना में हमें जो है कॉइल को डालनी है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो है शुरू करनी है दोस्तों, किसी भी एक स्लॉट में हमें जो डालनी है, और डालते वक्त हमें ध्यान रखनी है कि जब कॉइल की लूप निकलेगी किस तरह से, तो जिस तरफ से आपको जो छिद्र मिलेगी दोस्तों, उसी तरफ से आपको जो है कॉइल को डालना है। देखिए यहाँ पर हमें कॉइल को डालने से पहले यहाँ पर किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डालनी है, और दोस्तों वहाँ पे हमें 4 स्लॉट छोड़ के 5वीं स्लॉट में फिर से हमें जो है कॉइल को डाल देना, मतलब कॉइल पीछे एक, तो 1 से 6 में 1 राउंड, और 1 से 8 में 1 राउंड, और 1 से 10 में 1 राउंड, और 1 से 12 में हमें 1 राउंड करनी है। मतलब कुछ इस तरह से हमें जो है रनिंग कॉइल की पीच रखनी है। स्टार्टिंग कॉइल की बात करेंगे, स्टार्टिंग में जो है कॉइल की लंबाई और कॉइल डिस्टेंस और कॉइल टर्न हमारी क्या होगी। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में हमें जो है 26 नंबर की वायर स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पे हमें रखनी है। अगर कॉइल टर्न की बात की जाए दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है 2 ग्रुप बनानी है रनिंग की, एक ग्रुप में हमें जो है 2 कॉइल बनानी है। तो एक ग्रुप में दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 120 टर्न फर्स्ट वाली में रखनी है, इसके बाद वाला हम दोस्तों हमें जो है 125 टर्न रखनी है। इसी तरह से हमें दोनों कॉइल को बनानी है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल लेंथ की बात की जाए, देखिए यहाँ पे कॉइल डिस्टेंस हमारी जो होगी दोस्तों, हमें कॉइल बनानी है
2.5 इंच पे हमें जो है कॉइल को बनानी है। तो फ्रेंड्स अगर स्टार्टिंग कॉइल में कॉइल पिच की बात की जाए तो दोस्तों 1 से 10 में हमें जो है एक कॉइल को डालनी है और दूसरा कॉइल जो हमें दोस्तों 1 से 12 में हमें जो है एक कॉइल को डालनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें जो है सभी कॉइल को इंस्टॉल करनी है। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे क्या कि सर ये डाटा में और किसी मोटर में यूज कर सकता हूँ, तो हाँ दोस्तों आप आसानी से इस डाटा को किसी भी मोटर में यूज कर सकते हैं, जिसकी दोस्तों स्टैंपिंग साइज ये सेम होगी, मतलब जिस तरह से इसकी स्टैंपिंग साइज और आउटर डाई और इनर डाई है दोस्तों उसी तरह आपका जो मैच कर जाएगा दोस्तों, तो आप आसानी से इस डाटा को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है क्लस्कर कंपनी की फुल रिवाइंडिंग डाटा दोस्तों, बेहतर होगा आप इसे स्क्रीन शॉट बना लें ताकि आगे आपको जो है काफ़ी काम जाएगा दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट जरूर बना लेना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डाटा जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे दबा लें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन और इससे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।